फ्रेंड्स, देखिए मैं टिया को भी खिला रही हूँ, स्कूल से लेकर आई हूँ और इसको खिला रही हूँ। देखिए कैसे ही ठीक है, मैं खिलाने के बाद मिलती हूँ फ्रेंड्स। तक के लिए आप लोग भी खाइए, एंजॉय कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, टिया को खिलाने के बाद मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी और ये शाम हो गया था। तो शाम को देखिए आज क्या बनने का तैयारी है और इतने सारे आलू मैं क्या करूँगी। तो आगे वीडियो में आप लोग बने रहिए, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या करूँगी इतने सारे आलू को। तो मैं आलूओं को पहले धो ले रही हूँ और उधर गैस पे चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मैं घी निकाली थी तो वो वाला मक्खन, और उसके बाद मैं आलू को मैं उबलने के लिए दे दी हूँ। आलू मेरा उबल कर दो सीटी में लगा ली थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए इतना सारा टमाटर को भी मैंने काटा है, तो इसका मैं मीठा चटनी बनाऊँगी। और टिया को मैं दूध दे रही हूँ क्योंकि वो शाम को दूध पीती है, तो दूध पीने में बहुत ज़्यादा ही उसका नखरा है, कुछ भी खाती पीती नहीं है, बढ़िया से उसको खिलाना पड़ता है ज़बरदस्ती। तो उसको देखिए मैं हॉर्लिक्स मिलाकर दूध दे रही हूँ और चाय भी मैं हम बनाऊँगी, तो उसी तसला में मैं चाय बना लूँगी। तो आप लोग देखिए टिया को मैं दूध दे रही हूँ और दूध इसको पिला दूँगी, और पिलाने के बाद मैं दे रही हूँ वहीं पर कि तुम अपना पी लो। और फिर मैं यहाँ पर चाय हम लोग बनाने आ गए, मैं चाय बनाऊँगी मैं अपने लिए और सासू माँ के लिए। तो चाय में दूध मैं डाल दी थी और उसी समय दूध निकाली थी जिसे मैं टिया को देना था। तो देखिए मैं किसी भी बर्तन में बना लेती हूँ चाय, तो ये मेरा चाय बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। चाय मैं चढ़ा दी थी, तो चाय का आप लोग सोच रहे हो कि जो पारती है सो दीदी बना देती है, तो मुझे जो मिलता है उसी में मैं बना देती हूँ। ये मैं नहीं देखती हूँ कि किस पैन में ही बनाना है या फिर चाय जो बनता है उसी में केतली में। तो यहाँ पर देखिए मैं चाय में दे दी थी सासू माँ को और मैं ले रही थी, तो उसमें छाली थोड़ा सा पड़ गया था फ्रेंड्स। और इधर मैं टमाटर का मीठा चटनी भी बना ली थी, तो इसको मैं दूसरे बर्तन में खाली कर ले रही हूँ। और ये देखिए मैं मसाला निकाल रही हूँ, मसाला को भी पीस लूँगी क्योंकि लाइट चली जाएगी तो फिर सिलवटे पे पीसना पड़ेगा हमको। तो देखिए काली मिर्च, जीरा और अदरक और लहसुन और हरी मिर्च मैं डाली हूँ, तो इसको मैं मसालों को पीस ले रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया पत्ता को प्लेट में मैं पानी डालकर रख दे रही हूँ फूलने के लिए, 5 मिनट फूल जाएगा, उसके बाद मैं इसको कट करके मैं रख दूँगी। तो आलू मेरा देखिए उबल गया था, तो उसके बाद मैं इसको छील के मैं बड़े बर्तन में रख ले रही हूँ और इसको मैं चोखा बनाऊँगी। तो आज मैं समोसा बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो समोसा की वीडियो मैं पिछले वीडियो में भी डाली हूँ, और ये टिया का मन था खाने को, मैं गई थी स्कूल लाने के लिए तो वो बोली थी कि हमको समोसा ही खाना है, चलो खिला दो, तो मैं बोली थी कि घर में ही मैं बना लूँगी। तो आलू को मैं फोड़ ली थी सेम छील कर, उसके बाद देखिए धनिया पत्ता को भी मैं काट ली हूँ। और यहाँ कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा दिया था गैस पर, उसके बाद तेल डाल दिया था और तेल गर्म हो गया था, तो उसमें मैं डाल दी हूँ 5 फोरन। और उसके बाद में मैं डाल दे रही हूँ 1 तेज़पत्ता दो टुकड़ों में करके, और उसके बाद में मसाला मैं डाल दे रही हूँ जो पीसी थी वो उसको, और उसमें मैंने डाल दिया था हल्दी पाउडर और गरम मसाला मैं नहीं डाली थी, और धनिया पाउडर दोनों मिक्स करके उसे भी मैं डाल दी थी। और उसके बाद मेरा मसाला भूनकर तैयार हो गया था फ्रेंड्स। तो आलू को मैंने पूरा चोखा की तरह नहीं मला है, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा फोड़ा है हल्का हल्का, और हल्का थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही टुकड़ा रहने दिया है। और ये देखिए मेरा आलू का चोखा बनकर तैयार है, और इसमें धनिया पत्ता से मैं गार्निश करूँगी, और धनिया पत्ता देकर मैं इसे 2-3 बार चला लूँगी। और बादाम को भी मैं भून कर रख ली थी और उसका छिलका भी उतार ली थी फ्रेंड। तो बादाम ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, तो जो था सो उसी में मैं बना दी और बादाम को डालकर मैं चला ली थी। और उसके बाद दूसरे बर्तन में इसको ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ, और ज़्यादा आलू नहीं था, 1 kg के लगभग आलू था। और ये देखिए मैं चोखा को रख दे रही हूँ थाली में ठंडा होने के लिए, और ये पानी जो उबल रहा है इसमें मैं बनाऊँगी सूप। तो हस्बैंड आए हैं तो उनके लिए मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि घर में सभी को सर्दी और खांसी हो गया है, तो सूप थोड़ा सा पियेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसमें मैंने डाला है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और टमाटर एक काट के डाल दिया है, और नॉर सूप है, हॉट एंड सॉस वाला सूप है। तो एक पैकेट ही मैंने मंगाया था, मैं तो चेंज पैसा नहीं था, इस वजह से एक ही पैकेट मैंने मंगाया था। तो उसको मैं देखिए कि उसको डाल दी हूँ उस सबको उबलने के बाद, और नमक मैं डाल दी थी। आप लोगों को जितना जिस अनुसार से आप नमक लेते हैं उस अनुसार से नमक डाल सकते हैं,
और इसमें थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए धनिया पत्ता भी मैंने डाल दिया था। और ये मैं मैदा में अजवाइन, नमक और रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ मोइन के जगह पे। तो देखिए मैं आटा सान ले रही, मिला ले रही हूँ सिंघाड़ा बनाने के लिए। तो इसको सिंघाड़ा भी बोलते हैं, समोसा भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए टिया भी आ गई थी देखने के लिए, क्योंकि इसी का फरमाइश पे बन रहा था और इसी को मन था कि समोसा खाना है मुझे। मार्केट वाला ही बोल रही थी खाने के लिए, तो मैंने ही बोला कि घर पे मैं बना दूँगी, क्योंकि मैदा नहीं था। तो मैदा को मैं बना दे रही हूँ, और थोड़ा सा ही मैदा बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा मैं रख दी हूँ, और इधर आलू मेरा ठंडा हो जाएगा। और इधर मैं थोड़े थोड़े पानी लेकर मैदा को मैं सान ले रही हूँ। और ये देखिए मेरा समोसा बनाने वाला जो आटा का डो होता है वो मैं तैयार हो गया है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर ढककर रख दूँगी। और उसके बाद मेरा इधर सूप भी बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड। तो हम लोग चार जन हैं, चारों हम लोग पी लेंगे थोड़ा थोड़ा। टिया भी पिएगी थोड़ा सा, और मैं और सासू माँ और मेरे हस्बैंड चारों। तो टिया को मैं दे दी हूँ, और ये हम लोग तीनों का है। तो उसके बाद हम लोग पी लिए थे, और पीने के बाद देखिए हम लोग आ गए, मैं आ गई किचन में। समोसा का जो आटा था उसको मैं फिर से मिला ले रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बाकी था। तो थोड़ा सा मैं पानी डाल के मिलाने के लिए आ गई, और ऊपर से थोड़ा सा मोइन में डाल के रिफाइंड ऑयल से उसको क्लीन कर ले रही थी। और यहीं पर मैं पोंछ कर स्लेब पर ही मैं बेलती हूँ, तो यहीं पर मैं बेलूँगी। तो पहले लोई मैं काट लूँगी फ्रेंड्स। और बर्तन मैंने लिया है मैदा का ही, तो इसको मैं लंबा काटूंगी, और बड़े बड़े ज़्यादा मीडियम साइज़ का मैंने बनाया था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाया था और ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैंने काटा है, और चाकू की छुरी की सहायता से मैं इसे बीच में काट लूँगी। और इसी तरह सभी को बेल कर मैं रख लूँगी, और रखने के बाद में मैं एक बार में भरूँगी सबको, और उसके बाद में सिर्फ छानने के लिए रहेगा। तो सभी को मैं इसी तरह लोई को बना बेल बेल कर और काट कर एक प्लेट में कर ले रही हूँ। जरा बोलो तो तुम फिर से क्या बोल रही है, क्या बोल रही थी, आप लोग भी सुनिए। नहीं नहीं, तुमको भूखे तो हम नहीं रखेंगे। तो टिया बोल रही थी कि मुझे भूखे रखोगी क्या। तो मेरा सब मैंने आटा जो लोई बनाया था उसको बेल ली थी मैं फ्रेंड्स। और उसके बाद देखिए यहाँ पे टिया भी साथ में आ गई है, खड़ा है मेरे बगल में। और उसको मैं सभी को एक एक करके सबको मैं समोसे को भर ले रही हूँ। तो भर कर मैं इसको एक बार रख लूँगी, उसके बाद में मैं इसको छानूंगी, क्योंकि एक बार इसको बना के रख लेने से ठीक रहता है, और नहीं तो फिर छानने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि एक डालो एक निकालो। और इसको में थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो इसको लिए पहले से तैयारी करना पड़ता है। तो देखिए इसको मैं एक तरफ मोड़ती हूँ, उसके बाद उसमें पानी लगाकर, आप लोग रिफाइंड भी लगा सकते हैं लेकिन मैं इसमें पानी लगाती हूँ। पानी की सहायता से मैं इसको समोसा, देखिए मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी देखिए कि समोसे मेरे कैसे बने हैं, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि मैंने समोसा कैसा बनाया है, डिज़ाइन इसका कैसा है। तो यहाँ पे देखिए मैं अब छान ले रही हूँ, और छान कर मैं सभी को दे दूँगी, क्योंकि गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है, तो सबको मैं गरम गरम ही दे दूँगी खाने के लिए। और ये मेरा ब्राउन होकर तल रहा है समोसा, और इसको मैं अब निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। और उसके बाद में टिया को ज़्यादा ही भूख लगा हुआ था, तो वो बोली थी मुझे पहले दे देना। और उसके बाद दो मैदा का बच गया था, तो मैं उसको कचौड़ी निकाल दी, तो वो वाला मैं खा लूँगी। तो ये मेरा समोसा और चटनी बनकर तैयार है, मीठा चटनी। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए फ्रेंड्स।